हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके भट्ट सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बिलाल भाई के घर पे शीशगढ़। तो मुझे जावा परचेस करनी है, 2 पेयर जावा परचेस करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट बिना देरी करे हुए बिलाल भाई के घर पे और मिलते हैं आपसे। और फाइनली पहुंच गया हूँ बिलाल भाई के सेटअप पे। मैं सामने देख सकते हो सेटअप है और गर्मी कुछ ज़्यादा ही है आज। तो सुबह सुबह का मौसम ठंडा था तो इन्होंने पर्दे वगैरह लगा रखे थे कॉलोनी पे अपनी। और बाकी अब ये अभी हम लोग आए तो इन्होंने अभी पर्दे हटाए। तो ये बाकी सारे के देख सकते हो, इनके बर्ड्स इनके लिए रेडी टू ब्रीड हैं। इनके जितने भी सारे बर्ड्स हैं, बजीज पैरेट की मटकी लगा देंगे अभी कुछ दिन बाद। देख सकते हैं इसके अंदर जावा हैं, गोल्डन फिंच है, लॉन्ग टेल फिंच नहीं है इनके पास, बंगाली फिंच है, नॉर्मल फिंच का एक जोड़ा है, बाकी जावा है इनके पास, एक पेयर लबड़ का है। तभी हम कॉलोनी के अंदर चलते हैं बिना देरी करे हुए, आप लोगों को दिखाते हैं कॉलोनी के अंदर जाके क्या इनके पास है। तो देख सकते हो सारे ये बर्ड्स इनके पास रेडी टू ब्रीड हैं। तो अभी ये मटकी लगाने वाले हैं कुछ दिन बाद। तो अभी हमने भी मटकी नहीं लगाई है अपने सेटअप में, नया नया हमने सेटअप लगाया अपना अभी, तो हमने मटकी नहीं लगाई है। अभी देख सकते हो इसके अंदर 3 पीस इसमें सिल्वर के हैं और 3 पीस इसमें वाइट के हैं। और एक वाइट वाला हम पेयर ले जाएंगे जो लगा हुआ है कन्फर्म, तो एक पेयर इनसे ले लूँगा मैं। और एक जो हम लेंगे फोन जावा का लेंगे जो गोल्डन कलर में होता है, वो नीचे है लगा हुआ। बाकी ये देख सकते हो इसमें ही है वो पेयर फोन जावा का, एक पेयर ले लेंगे इसमें से, रेड आई में है ये। 2 पेयर है इनके पास ही, तो एक पेयर फोन जावा का लूँगा मैं और एक पेयर लूँगा मैं वाइट जावा का। तो हम इसको अपने जैसे इन्होंने अपने पिंजरे के अंदर कॉलोनी के अंदर लगा रखे हैं पिंजरे, वैसे मैं भी अपनी कॉलोनी के अंदर पिंजरे लगा दूंगा। मेरे पास तो बहुत अच्छा स्पेस है, इनके पास थोड़ी जगह कम है मगर सेटअप अच्छा लगा रखा है इन्होंने। जगह थोड़ी कम है, सेटअप भी कम है, छोटा सा बना हुआ सेटअप इनका। और इनकी एक फ़ीमेल पड़ी थी मेरे पास गोल्डन की, वो मैं दे आया हूँ, इनका मेल खाली पड़ा था ये, तो इसके साथ ये पेयरिंग कर देंगे उसकी। बाकी नॉर्मल फिंच ने ब्रीडिंग कर रखी है इनकी, तो बच्चे बच्चे हैं बास्केट में। और ये बंगाली फिंच इनको बहुत अच्छे से फीड वगैरह करा रही हैं। तो बंगाली फिंच का यही काम होता है, अंडे रख दो फॉस्टिंग के लिए, बहुत बढ़िया वो होती है ब्रीडिंग इनके यहाँ। तो ये देख सकते हो एक ये इनके पास पीस बचा हुआ है डब का, डायमंड डब का, तो मेल है ये। और अभी फीमेल मंगवाएंगे इसके लिए, तो मैंने भी इनसे कह रखा है एक आध पेयर मुझे भी मंगवा देना डब का, तो हम भी एक शौक करके देख लेंगे डब का। तो अब अपने सेटअप अच्छा खासा बन चुका है, तो इसलिए हम एक एक पेयर या सेपरेट में पाल लेंगे, हर चीज़ का एक एक पेयर रख लेंगे। लबड़ का रख लेंगे एक पेयर, जावा के 2 पेयर रख लिए, लबड़ के 2 पेयर रख लेंगे, बाकी कॉकटेल के 2 पेयर लगाऊंगा मैं, क्रीम कॉकटेल के लगाऊंगा, ब्रीडिंग पेयर खरीद के लगाऊंगा कहीं से मैं, मिलते हैं अच्छे। तो बाकी ये देख सकते हो अपने पास ये इनके पास ये नीचे एक सेटअप में बना रखा है छोटा सा पिंजरा रख रखा है उनमें, उसमें 2 मटकी लगा दी हैं। तो ये भी नेस्टिंग कर रही हैं, इसमें से एक पेयर हम पकड़ेंगे अभी वाइट वाला, जो अच्छा लगेगा हमें वाइट, ऊपर भी थे वाइट, मगर जो इसमें अच्छा लगेगा जो पेयर लगा हुआ होगा वो ही लेंगे इनसे लगा लगाया पेयर जो होगा, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो देख सकते हो गोल्डन का भी मेल इस समय बहुत एक्टिव है, और फीमेल डलते ही इसका पेयर वगैरह लग जाएगा, फिर उसकी ब्रीड वगैरह आ जाएगी जल्दी इनके पास भी। तो मैं भी, मेरे पास भी एक फीमेल सिंगल पड़ी है, तो मैंने उसका भी मेल मंगाया गोल्डन का अपने लिए। एक गोल्डन का पेयर हो जाएगा अपने पास, एक लॉन्ग टेल का हो जाएगा, 2 पेयर जावा के हो जाएंगे, बाकी सब चीज़ थोड़ी एक एक दो दो पेयर रख लेंगे शौक के लिए। बाकी बजरी इसकी तो हम कॉलोनी रखेंगे पूरी। देख सकते हो एक पेयर हमने पकड़ लिया अभी, और एक पेयर अगर पकड़ लें अभी और दूसरा वाइट वाला बिलाल भाई। तो जो सिल्वर वाले हैं इसमें 3 पीस और 1 पीस वाइट का है, अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अगर परचेस करना हो तो मेरा नंबर आप विजिट कर लेना चैनल पे जाके, बहुत से भाई नंबर मांगते हैं कमेंट में, तो भाई आप एक बार वीडियो मेरी जाके देखें, उसमें किसी किसी वीडियो में नहीं, हर किसी वीडियो में मैंने नंबर दे रखा है, अपना थंबनेल पे भी दे रखा है, शॉर्ट वीडियो में नंबर दे रखा है। तो आप बार बार मुझसे कमेंट में नंबर के लिए पूछते हो तो मैं दे देता हूँ फिर भी नंबर, मगर आपको वीडियो में मिल जाएगा नंबर, मुझसे कमेंट में मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अच्छा सा एक कमेंट कर दे करें मुझे, वही बहुत है आप लोगों का प्यार मुझे। और नंबर चाहिए मेरा, नंबर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नंबर मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं जाके, आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी देख सकते हो ये मैंने पकड़ लिए हैं 4 पीस ये। अभी एक जगह और रास्ते में फ़ोन आ गया था मेरे पास, तो वहाँ से भी मैंने कुछ बर्ड्स वगैरह परचेस कर लिए हैं, लबर्ड परचेस कराया एक पेयर ब्रीडिंग पेयर ग्रीन वाला, बाकी 10 पेयर हमने आयुष भाई के लिए बजीज पैरेट करे हैं, वो कल आके ले जाएंगे, तो उनके लिए अभी रख दिए मैंने, सुबह दिखाएंगे शॉर्ट वीडियो में वो आप लोगों को। अभी तो वीडियो ये रात में ही मैं अपलोड कर दूंगा,
बाकी देख सकते हो ये हैं लब्बट अपने नीचे रखे हुए और ये जावा रखी हुई हैं। तो अभी सबको छोड़ देता हूँ मैं, बाकी कॉलोनी में भी सही सेट हो गए हैं, ये दाना पानी सब खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। देख सकते हो इनको भी मैं छोड़ देता हूँ फिंचिस के साथ में, अभी अपनी लॉन्ग टेल के साथ, क्योंकि ब्रीड वगैरह तो अभी कर नहीं रही है वो, तो इस मारे इनको छोड़ देता हूँ। कल हम सही से अपना सेटअप वगैरह लगाएंगे, सेट करेंगे पिंजरा वगैरह जो पड़े हैं अपने फालतू, जैसे ये पिंजरा हो गया एक, एक पिंजरा वो लब्बड़ का नीचे रखा हुआ है, एक पिंजरा ये वाला रखा हुआ है, और एक पिंजरा वो पहले वाला है मेरा लाल और वाइट वाला जो ऊपर था लगा हुआ, वो भी ले आऊँगा मैं। तो तीन पिंजरे, तीन चार पिंजरे मैं सेट कर दूँगा, इतनी जगह है उसमें, तीन नहीं चमक चार, चार इधर आ जाएंगे पिंजरे, चार उधर आ जाएंगे, चार इस सामने आ जाएंगे, चार उस साइड में आ जाएंगे, तो मैं आठ पिंजरे अभी भी आ जाएंगे।